प्रदेश में सरकारी स्कूलों में युवा संसद के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रणाली के संदर्भ में जानकारी दी जाती है। विद्यार्थियों को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से लेकर लोकतांत्रिक प्रणाली की हर प्रकार की जानकारी युवा संसद के माध्यम से मिलती है। साथ ही विद्यार्थियों में लीडरशिप की भावना भी पैदा होती है। इसी कड़ी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में स्कूलों में चल रही युवा संसद की एक खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे ब्लॉक से विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य नरेश राणा ने बताया कि स्कूलों में चल रही युवा संसद के प्रति विद्यार्थियों का काफी क्रेज है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक में मौजूद 47 स्कूलों में से बहुत से स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। कि ब्लॉक लेवल पे इस स्कूल के अधीन लगभग 45 जो पाठशालाएं आती है, वहां से युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज जो है अलग अलग टीमें हमारे स्कूल में पहुंची हुई है। और विभाग का ये आदेश है कि सभी स्कूलों में ये जो प्रतियोगिताएं हैं, ये पहले स्कूल लेवल पे आयोजित की जाए, फिर सब डिविजनल लेवल पे इसका आयोजन किया जाए और उसके पश्चात जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल को जो है ये कॉम्पिटिशन जाता है। डिस्ट्रिक्ट से जो हमारी फाइनल जो विजेता टीम होगी वो स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए शिमला में जाए। और इस युवा संसद का जो उद्देश्य है वो अपने आप में बहुत ही साफ है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, कल को वो देश के हमारे निर्माता हैं, हमारी जो देश की संसदीय प्रणाली है उसकी समझ उनमें होनी चाहिए कि ये जो संसदीय प्रणाली है इसका गठन कैसे होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी कार्यशैली क्या है और इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है। तो इसका जो बुनियादी समझ है बच्चों में विकसित करने के लिए स्कूल लेवल पे, विद्यालय लेवल पे और महाविद्यालय लेवल पे जो है बच्चों में संसद की जो प्रतियोगिता है ये हम करवाते हैं। बच्चों को ये पता चलता है कि हम संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है हमारी जनता की प्रमुख मांगे क्या होती है, जनता के प्रतिनिधि क्या होते हैं और उसके पश्चात जो विधानसभा है या भारतीय जो संसद है वो कैसे चलती है, कानून कैसे बनता है, बिल कैसे पास होता है, विपक्षी दल का महत्व क्या है, सत्ता पक्ष क्या चीज होती है, मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं और इसी तरह से जो हमारी चुनाव की प्रणाली है, इलेक्शन कमीशन है, ये क्या चीजें होती है, इन सभी का ज्ञान जो है हम बच्चों में विकसित करने के लिए, फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए इस प्रकार के आयोजन स्कूली लेवल पे जो है हम करते आ रहे हैं।